सो हाई एवरी वन, दिस इज गौरव बैनर्जी एंड वेलकम टू माई छोटा सा चैनल कॉलेज वाला। तो आज आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके डायरेक्टली आ जाते हैं वीडियो का मेन पॉइंट पे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेजेस फॉर जिलेट कैंडिडेट्स। जिलेट एग्जाम तो हो गया है, अब सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। डिप्लोमा के 3 साल बहुत मस्ती हो गया, अब 3 साल बाद कौन सा कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो से आपका सारा जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखना है। और मैंने ये टॉप 10 का लिस्ट तैयार किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, तो आपको ये टॉप 10 के लिस्ट पे प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। और इस वीडियो से आपको हर एक कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, कोर्सेस ऑफर्ड बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड हर एक कॉलेज का एवरेज पैकेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं मैंने टॉप 10 के लिस्ट में किस किस कॉलेज को सिलेक्ट किया है। तो एक नंबर पे आता था और आता रहेगा इंजीनियरिंग का बाप जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका फीस है 65 रुपीज़ पर सेमिस्टर, और आपको 2 साल बाद 5000 पेमेंट करना होगा एडमिशन के लिए। मतलब 4 साल में 2 बार 5000 करके 10000 पेमेंट करना होगा। और अगर आईटी की बात करें तो आईटी के लिए फीस स्ट्रक्चर है 15000 पर सेमिस्टर। और अगर कोर्सेज की बात करें तो आप जो भी लेकर पढ़ना चाहते हो वो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, जैसे कि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, पावर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और इस साल जेयू में सीएससी का एवरेज पैकेज क्या है, 15.5 LPA, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस का हाइस्ट पैकेज है। और अगर आप हर ब्रांच के प्लेसमेंट डिटेल्स जानना चाहते हो तो जेयू के ऊपर रिव्यू वीडियो जल्दी आएगा, उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जिस पे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा 98,700 और उसके बाद से 75,000 पर सेमेस्टर। अगर इस कॉलेज में कोर्सेज की बात करें तो आपको सीएससी, सीएससी एआईएमएल, सीएससी एआई, सीएससी आईओटी एंड सीएस इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सीएससी आईओटी, सीएसपीएस, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे कोर्सेस मिल जाएगा। और अगर आईईएम की प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज पे एवरेज पैकेज है 5.5 से 6.5 LPA और इस साल इस कॉलेज पे हाईएस्ट पैकेज गया था 39.2 LPA। अब 3 नंबर पे आता है केजीईसी, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर आप इस कॉलेज पे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ना चाहते हो तो आपका फीस होगा 4200 पर सेमिस्टर। अगर आप सीएससी या फिर ईसी लेके पढ़ना चाहते हो तो आपका फीस होगा 7200 पर सेमिस्टर। और अगर आप आईटी लेके पढ़ना चाहते हो तो आपका फीस होगा 13200 पर सेमिस्टर। तो आपको इस कॉलेज पे ये 5 ही ब्रांच मिलेगा, सीएससी, आईटी, ईसी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज पे आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा 4.5 से 5 LPA के बीच में। उसके बाद 4 नंबर पे आता है कोलकाता का ही एक प्राइवेट कॉलेज, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज पे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा 72,200 और उसके बाद से 45,000 पर सेमेस्टर। अगर कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज पे आपको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, सीएसपीएस, सीएससी आईएमएल, सीएससी डीएस, सीएससी आईओटी एंड सीएस, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईटी, मैकेनिकल, ये सारे ब्रांचेस मिल जाएगा। और इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है 5.5 LPA के आसपास। 5 नंबर पे आता है टेक्नोमैन सॉल्ट लेक, लेकिन आप 5 नंबर पे टेक्नोमैन या फिर जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट किसी को भी ले सकते हो अपने लोकेशन और फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों कॉलेज का ही प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो अगर इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा 66,000 और उसके बाद से 43,000 पर सेमेस्टर। और इस कॉलेज पे आपको सीएससी, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, ईआई, फूड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएसबीएस, सीएससी आईएमएल, सीएससी डीएस, ये सारे कोर्सेस मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो आपको इस कॉलेज में एवरेज पैकेज 5 से 6 LPA के आसपास मिल जाएगा। तो उसके बाद 6 नंबर पे आता है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर आप इस कॉलेज पे सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल लेकर पढ़ना चाहते हो तो आपका फीस होगा 3,766 पर सेमेस्टर। अगर आप सीएससी या फिर ईसी लेकर पढ़ना चाहते हो तो आपका फीस होगा 6,766 पर सेमेस्टर। और अगर आप आईटी लेकर पढ़ना चाहते हो तो आपका फीस होगा 12,766 पर सेमेस्टर।
तो इस कॉलेज पे आपको ये 6 ब्रांचेस मिल जाएगा, CSE, EC, IT, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज पे आपको एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख के बीच में मिल जाएगा। और इस कॉलेज पे इस साल हाईएस्ट पैकेज गया था 63 LPA। तो आप अपने हिसाब से TMSL या फिर जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किसी को भी पहले रैंकिंग दे सकते हो, क्योंकि दोनों का प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। 7 नंबर पे आता है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस पे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा 65,000 और उसके बाद से 45,000 पर सेमेस्टर। तो इस कॉलेज पे आपको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CSE, EC, इलेक्ट्रिकल, IT, मैकेनिकल, CSPS, AIML ये सारे कोर्सेस मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 5.5 LPA के आसपास। उसके बाद 8 नंबर पे आता है सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पेमेंट करना होगा 65,500 और उसके बाद से 46,000 पर सेमिस्टर। तो इस कॉलेज पे आपको सिर्फ 5 ही ब्रांच मिलेगा, CSE, IT, EC, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज पे आपको 5 LPA के आसपास एवरेज पैकेज मिल जाएगा। तो ये टॉप 10 के लिस्ट में हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। और ये लास्ट तो कॉलेज कोलकाता से बाहर है लेकिन अपने प्लेसमेंट के लिए टॉप 10 के लिस्ट पे आ जाता है, जिसमें से एक है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज पे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेमेंट करना होगा 72,600 और उसके बाद से 40,000 पर सेमिस्टर। अगर कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज पे आपको CSE, EC, इलेक्ट्रिकल, EEE, CSPS, मैकेनिकल ये सारे कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज पे आपको एवरेज पैकेज 4.5 LPA के आसपास मिल जाएगा। अब लास्ट जो कॉलेज है वो है कोलकाता से बहुत दूर, लेकिन इसका प्लेसमेंट के लिए ये टॉप 10 के लिस्ट पे आ जाता है। तो 10 नंबर पे आता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज पे आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन 70,700 पेमेंट करना होता है और उसके बाद से 51,000 पर सेमिस्टर। अगर कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग, CSE, AEIE, EC, मैकेनिकल, IT, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, CSE CS, CSE IML, CSE DS ये सारे कोर्सेस मिल जाएगा। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 4.5 LPA के आसपास। तो ये था टॉप 10 कॉलेजेस फॉर जिलेट कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। और अगर आप सिर्फ टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा या फिर थोड़ा भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपको अगर कॉलेज या फिर कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो फेसबुक पेज के थ्रू या फिर इंस्टा के थ्रू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप लाइकिंग मी ऑल्सो।